नमस्ते दोस्तों, मैं हनी लालवानी हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए चॉकलेट मफिन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चॉकलेट मफिन्स हम घर में अवेलेबल चीज़ों से बनाएंगे, बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और टेस्ट इनका बहुत ही लाजवाब होता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, एकदम रुई की जैसे ये सॉफ्ट बनेंगे और खाने में एकदम मुँह में घुल जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ मैंने एक कप दूध लिया है, एकदम रूम टेम्परेचर का दूध है। इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे विनेगर यानी सिरका। अगर सिरका ना हो तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम एक तरफ रख देंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करेंगे। तो एक बाउल पे हमने छलनी रखी है, उसमें 2 कप मैदा डालेंगे। मैदा को हमेशा मेजरिंग कप में या किसी भी कप में एकदम लेवल करके नापें। साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, और साथ ही मैं डाल दूंगी 1/4 कप यानी 1/4 कप या 4 टेबल स्पून के करीब मैंने कोकोआ पाउडर डाला है। कोकोआ पाउडर मैं कौन सा यूज़ करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे छलनी में और इसको अच्छे से छान लेंगे। ये छानने वाला प्रोसेस कम से कम आप 2 बार कीजिएगा, इससे हमारे केक्स काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं तो इसे भी एक तरफ रखते हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल में हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल यहाँ पर आप सरसों के तेल को छोड़कर कोई भी ऑयल ले सकते हैं जिसमें स्ट्रांग महक ना हो। इसमें जाएगा 1 कप पिसी हुई चीनी, नॉर्मल घर की जो चीनी है उसको पीस लिया है, पीस करके नाप लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से, फोक से, या अगर आपके इस तरह का विस्क हो तो उससे आप इस तरीके से अच्छे से फेंट लें। मतलब आप कुछ ही सेकंड्स फेंटेंगे तो इस तरीके से ये गाढ़ा होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से थिक हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैंने वनीला एसेंस डाला है। वनीला एसेंस डाल करके इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी थिक हो जाएगा, इस तरह की कंसिस्टेंसी पे ही आ जाएगा। अब हमने जो स्टार्टिंग में दूध रखा था विनेगर डालकर, वो वाला मिल्क हम यूज़ करेंगे। तो पूरा दूध एक साथ ना डालें, 1/2 कप दूध डाल रही हूँ। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दूध हमने अच्छे से कंबाइन कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे मैदे वाला मिक्सचर, तो वो भी पूरा एक साथ ना डालें। मैं 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। इसे एक बार अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब तक आप मैदा नहीं डालते हैं उससे पहले आप किसी भी तरह से इसे मिक्स कर सकते हैं। एक बार मैदा अगर आप डाल देंगे उसके बाद उसको आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस आपकी सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएँ उस तरीके से आपको मिक्स करना है। तो अब बचा हुआ दूध और जो का मिक्सचर है वो डालते जाएंगे अल्टरनेटिवली, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ओवर मिक्स मत कीजिएगा, ओवर मिक्स करेंगे तो आपका केक्स फूलेंगे नहीं। तो देखिए इसी तरीके से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो केक का बैटर है यानी मफिन्स का बैटर है वो कुछ इस तरीके का आएगा। नॉर्मल केक के बैटर से थोड़ा सा गाढ़ा रहता है और इस तरीके का ये बैटर बनेगा, एकदम फ्लोई, एकदम शाइनी सा। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और मैं इसको आज गैस पर भी बेक करूँगी, ओवन में भी करूँगी। तो गैस पर बेक करने के लिए मैंने इस तरह की कटोरियाँ ली हैं और मेरे पास पेपर कप्स थे तो मैंने वो यूज़ किए हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। कुछ मफिन्स मैं इस मफिन मोल्ड में बेक करूंगी जो कि मैं ओवन में रखने वाली हूँ, बाकी के हम गैस पे बनाएंगे। और इसको इसमें बैटर डालने के लिए मैंने एक नाप के लिए चम्मच ले लिया है। आप इस कोई भी नाप का चम्मच, कटोरी या छोटा कप ले सकते हैं ताकि सारे मफिन्स इक्वल साइज और शेप के बने। तो इस तरीके से हम बैटर डाल देंगे और आपको जो बैटर फिल करना है वो पूरा ऊपर तक मत भरिएगा, इसको 3/4 यानी 3/4 ही आप भरेंगे ताकि इसको फूलने की अच्छे से जगह मिले। और इसको 3-4 बार इस तरीके से टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। और बेक करने से पहले मैं ऊपर से थोड़ी सी चॉको चिप्स डाल देती हूँ ताकि ये दिखने में और भी अच्छे लगें। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकती हैं, या बिना इसके भी इसको बना सकते हैं। तो बस ये हमने डाल दिया है, चलते हैं इसे बेक करने।
तो चलिए इसे हम बेक करने के लिए रखते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई मैंने ऑलरेडी 10 मिनट गर्म कर ली थी। बाकी के मफिन्स मैंने ओवन में रखे हैं 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए। और यहाँ कढ़ाई भी हमारी ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। कढ़ाई में मैंने एक इस तरीके की रिंग रखी है। आप कोई भी प्लेट, जाली या फिर आप चाहें तो तले में नमक वगैरह डाल सकते हैं। मैं नमक नहीं डालती, मैं डायरेक्ट ही रखती हूँ। इस पे हम जो तैयार की हुई अपनी थाली है वो रख देंगे और बस इसे ढक कर के बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे पकने देना है करीब 20 से 25 मिनट के लिए। 20 मिनट से पहले खोलकर मत देखिएगा, 20 मिनट बाद आप चाहें तो एक बार इसे चेक कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, करीब 25 मिनट्स हुए हैं और देखिए हमारे जो कपकेक्स हैं या जो मफिन्स हैं वो बन करके रेडी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं, देखकर ही पता चल रहा है बहुत सही बने हैं। और ये देखिए टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन आई है। तो बस गैस बंद करके इसे थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे सारे चॉकलेट मफिन्स। ये वाले मफिन्स हमने जो ओवन में बनाए थे, यानी जो मफिन के मोल्ड में बनाए थे, ये वो वाले हैं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट शेप एंड साइज इसका आया है और बहुत ही ब्यूटीफुली ये राइज हुए हैं। और ये जो दूसरे मफिन्स हैं यहाँ पर, ये मैंने जो कटोरी में रखे थे ये वो वाले हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कटोरी थोड़ी सी चौड़ी होती है तो ये ऊंचाई इसकी उतनी नहीं आती है, बट टेस्ट में आपको कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा, दोनों एक बराबर होते हैं। और टोटल 2 कप मैदा में हमने 16 मफिन्स बना करके रेडी किए हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, किसी भी बेकरी से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। और जैसा आपने मेरी पिछली केक रेसिपीज़ को पसंद किया है, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, उसी तरह ये मफिन्स भी आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट इसमें जाली बनी है, एकदम परफेक्ट इसका टेक्स्चर है और सुपर सॉफ्ट है। मैंने तो थोड़ा गर्म गर्म में ही कट किया है। आप जब खाएं तो 10-15 मिनट ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद खाएं या नेक्स्ट डे, इनका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और 1 वीक तक आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट रहते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। सबसे बड़ी बात, गर्मी अवेलेबल चीजों से बनती है, तो इसे तो आप फटाफट से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आप इसे ट्राई करें, आपका फीडबैक जरूर शेयर करें। और अगर आज का वीडियो, आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।